नमस्कार मित्रों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम 5 मिनट का स्पेशल डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लेके आए हैं, जो आपकी यूपी एसएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आपका वो एग्ज़ाम है तो आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। हम आपको देंगे 5 मिनट का 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन, जिसका लेवल हमने यूपीएसएससी के अकॉर्डिंग ही रखा है। तो आप इसे लिखिएगा, इसमें कठिन शब्द भी जरूर आएंगे बीच में, इनका प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिल सके। और अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वो 5 मिनट स्पेशल डिक्टेशन हो या एक्यूरेसी बिल्डअप डिक्टेशन हो या एसएससी से रिलेटेड डिक्टेशन हो, आप उनको नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। ठीक 3 सेकंड के बाद रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री महोदय, साक्षरता कार्यक्रम को ग्राम या पंचायत स्तर पर प्राथमिकता विद्यालयों से जोड़ना होगा। कई स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक हैं। शिक्षा की सामान्य सुविधाएं तो दूर, कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। अध्यापक प्रायः स्कूल नहीं आते, क्योंकि वे स्कूल तो बहुत दूर हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी असफल रहा है, क्योंकि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था। अब गरीबों की मदद के लिए विश्व बैंक तथा यूरोपीय संघ के समर्थन से लागू की गई जिला प्रशासन शिक्षा परियोजना भी बेहतर क्रियान्वयन की मांग कर रही है। इस कार्यक्रम को प्रतिबद्ध रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और फिलीपींस को मदद करने से इनकार कर रही हैं, क्योंकि वहां की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च कम कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उदारीकरण के फलस्वरूप स्थानीय सामाजिक क्षेत्र के प्रभाव को कम करने के लिए यह लागू किया गया था। यह 7 वर्ष की परियोजना है, जिसके लिए 2% ब्याज पर ऋण दिया गया है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि 7 वर्ष के बाद क्या होगा। अनुदान से तो केवल मूलभूत ढांचा और सलाह का काम ही हो पाया है। इसमें वास्तविक शिक्षा के कार्य में या शिक्षा सामग्री की खरीद में कोई सहायता नहीं मिल रही है। इससे वित्तीय रूप से अध्यापकों की सहायता भी नहीं की जा सकती है, ताकि उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह जागृत हो सके। वास्तविक आवश्यकता ऐसे अध्यापकों की है, जो छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों में जाएं तो ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के साथ काम करें, पाठ्यक्रम में सुधार करें, पाठ्य सामग्री को समृद्ध बनाएं, अपने अनुभवों का लाभ उन अध्यापकों को दें तथा स्कूल में अच्छी किताबें
तथा अन्य संसाधन सामग्री जुटाएं। अब सलाहकार अपने को उनसे जो वहाँ वास्तव में पढ़ाते हैं श्रेष्ठ मानते हैं, यद्यपि ना सलाहकारों को स्थानीय परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ सीखने जानने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में अब भी सामंती जमींदारी प्रथाएं चल रही है, जैसे मध्य प्रदेश में, जहां पंचायत के सदस्य प्रायः जमींदार हैं। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांवों तले रौंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयां हैं। मैं उन लोगों में हूं जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। स्टॉप। दोस्तों, हमने बोला आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। अगर आपने इसे लिखा है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपकी तैयारी को एक नया रूप और एक बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराने के लिए हम आपको नई नई वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवर चैनल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।